तो जैसे आजकल हर लड़की का सपना है कोरियन का और हर लड़के का सपना है रशी वैसे हर एडिटर का सपना है कलर ग्रेडिंग करने का अपने वीडियोस पे, कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग। तो आजकल के टाइम पे हर कोई सिनेमैटिक वीडियोस बनाना चाहता है, चाहे जिसके पास बहुत बढ़िया कैमरा हो या फिर चाहे जिसके पास मोबाइल फोन हो। अब मोबाइल फोन वाले भी सिनेमैटिक वीडियोस शूट तो कर लेते हैं, बट पीसी जिनके पास होता है प्रीमियम प्रो जैसे सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छे से वीडियो को कलर ग्रेड कर लेते हैं, बट मोबाइल पे क्या ये चीज़ करना पॉसिबल है या फिर नहीं है, लेट्स फाइंड इट। कलर ग्रेडिंग मैंने भी आज तक नहीं करी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत इस चीज़ पे रिसर्च करा एंड देन मुझे पता चला कि Lightroom ने कुछ टाइम पहले एक अपडेट निकाला था जिसपे हम वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं Lightroom ऐप में। तो कुछ दिन पहले मैं गया था श्रीबद्रीनाथ धाम और वहाँ मैंने थोड़े बहुत वीडियो शूटिंग की थी, तो उस पर कलर ग्रेडिंग करने से अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं गया सबसे पहले CapCut पे और वहाँ मैंने थोड़ी बहुत वीडियो को एडिट करा, वीडियो को काट छाट करी, उसके बाद वीडियो को स्लो मो वगैरह करा ताकि कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर सकूं। एंड देन उसके बाद मैं अपना फर्स्ट ट्राई मारने के लिए चला गया Lightroom ऐप पे। तो Lightroom में घुसने का सबसे पहले मैंने उसका लाइटिंग की थोड़ी बहुत सेटिंग करी, देन उसके बाद उसकी कलर सेटिंग करी और उसके बाद उस पर ग्रेडिंग पे गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने उसके ग्रेडिंग का काम करा और ये सब करने के बाद मैंने आखिर में बनाया ये। पता है हक दिया, इसलिए कहते हैं आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए मैं गया YouTube पे और वहां मेरे को एक बहुत अच्छा चैनल मिला एनीथिंग नाम से और मैंने उनकी 3-4 वीडियोस देखी सिनेमैटिक वीडियोस और कलर ग्रेडिंग पे, और तब जाके मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई कि क्या चीज़ हमें कलर ग्रेडिंग करते समय करना चाहिए और क्या चीज़ हमें कलर ग्रेडिंग करते समय नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमें कॉन्ट्रास्ट को कम करना चाहिए, सैचुरेशन, शैडो, इन सब को कम करना चाहिए, और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, अगर यही सब जानना है तो उन्हीं की वीडियो देख लो, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, लिंक डाल दूंगा नीचे, वहाँ जाके देख लेना। बात करते हैं मेरी, तो उसके बाद मैं गया अपना सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर करने, IPS का तो हो नहीं रहा, इसी का करते हैं। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं करी जो मैं पहले कर रहा था, मैंने वो सारी चीज़ें हटाई, फिर से दोबारा से बनाया। और देखो भाई, वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मोबाइल का जो एडिटिंग मतलब मोबाइल में जो कलर ग्रेडिंग होता है वो उसको तुम प्रीमियम प्रो के कलर ग्रेडिंग से कंपेयर मत करना, वो बहुत ऊपर है और Lightroom थोड़ा नीचे है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं और Lightroom में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो हम इस पर कहीं ना कहीं सिनेमैटिक वीडियोस को बहुत अच्छा नहीं बना सकते जब तक कोई भयंकर आदमी ना बनाए। क्या रे भीख मंगिया। हाँ, और ये रही हमारी वीडियो। Now this video is pretty good, right? पर आप कहोगे मिक्कू वीडियो में जान नहीं है। बोतल में पानी नहीं है और वीडियो में जान नहीं है। बोतल में पानी नहीं है और वीडियो में साउंड इफेक्ट्स नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो।